आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग ब्राइटनिंग होममेड क्रीम शेयर करने वाली हूँ। ये क्रीम आपकी स्किन से झुर्रियाँ, छाइयाँ, कालापन है, एक्ने, पिंपल्स के दाग धब्बे को ये रिमूव करेगा। आपकी स्किन से ये रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपकी स्किन से ये बढ़ती उम्र के लक्षण को भी ये रोकेगा। साथ ही साथ ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, स्कार्स की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा। आपकी स्किन को यूथफुल, यंग, ग्लास स्किन बनाएगा। आपकी स्किन को ये टू शेड लाइट ब्राइट करेगा और एंटी एजिंग में भी काफी अच्छा वर्क करेगा। रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा। आइए देख लेते हैं इस क्रीम को बनाना कैसे है। उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त कामना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी से आके मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें यहाँ पे अनार के छिलके लेने हैं। जो हम लोग अनार खाते हैं उसके छिलके हम लोग फेंक देते हैं, तो उसे हमें फेंकना नहीं है, उससे ही हमें इस क्रीम को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अनार के छिलके लेने हैं, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं, जैसे कि मैं काट रही हूँ वैसे ही आपको काट लेनी है। अनार को पहले अच्छी तरह से धुल लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर उनके छिलकों को अच्छे छोटे छोटे पीसेस करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, अनार को अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक खाली पैन लेना है, खाली एक बर्तन ले लेना है जो साफ़ हो, वो हमें ले लेना है। तो हमने अनार के छिलके का पीसेस किए हुए हैं, काटे हुए हैं, उसको हमें इस पैन में डाल देना है। उसके बाद हमें एक कप पानी ऐड कर देना है इसमें, और उसके बाद हमें 10 मिनट तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। पहले हम हाई फ्लेम करेंगे, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम लो फ्लेम में इसको हमें 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। जैसे कि मैं पका रही हूँ, आपको ऐसे ही बिल्कुल पकाना है। अनार के छिलके में मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन सी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारी स्किन से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, स्कार्स की प्रॉब्लम, कालेपन की, छाइयां, झुर्रियों की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो अनार हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और इसके छिलके से हम बना रहे हैं क्रीम, तो ये एंटी एजिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे हमारे 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। मैंने इसे नीचे उतार लिया है और मैं इसे छान लूँगी। इसके बाद ये जो पानी है इसका जो बचा हुआ, जो मैं इसे छाना है, इसे ही हमें क्रीम बनानी है। इसमें जितनी भी इसकी क्वालिटी थी सब इस पानी में ऐड हो चुकी है। तो अब मैं इसमें आप ऐड करूँगी इसके बाद कॉर्न स्टार्च 1 चम्मच। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो हमने कॉर्न स्टार्च ऐड किया है ये हमारी स्किन को वाइट करता है। स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है और ये साथ ही ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है। तो ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कॉर्न स्टार्च। अब इसके बाद हमें एक खाली पैन लेना है, उसके बाद जो हमने यहाँ पे पेस्ट बना के रेडी किया हुआ था इस पैन में हम डाल देंगे। बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे इसे पकाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। इसे हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे। इसे हमें चलाते रहना है, ये बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। और उसके बाद 4 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम इसे नीचे उतार लेंगे और फिर हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिल्कुल हमारी क्रीमी फॉर्म बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी इसमें हमें और ऐड करना है, वो क्या ऐड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच राइस, यानी कि 1 चम्मच हमें चावल लेना है, चावल कोई भी होगा चलेगा। उसके बाद हमें उसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है। अब हमें इसे पकाना है। अब इसके बाद हमें 7 से 8 मिनट इसे पका लेना है, हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा चावल जब पक जाएगा, देखिए जैसे कि मैं पका रही हूँ, आपको 7 से 8 मिनट इसे पका लेना है। उसके बाद हमें इसे क्या करना है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए नीचे उतार लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम एक हैंकी या फिर कोई आप कपड़ा ले सकते हैं, उससे हमें इसे छान लेना है। हमें इसका जो माड़ होता है, जो इसका पेस्ट होता है ना, वो हमें चाहिए। इसे हम कपड़े की हेल्प से निकाल लेंगे। आप छन्नी की हेल्प से अच्छे से नहीं निकलेगा, आप कपड़े की हेल्प से निकालिए, बहुत ही अच्छे से निकल आएगा। जैसे कि मैं निकालूँ, आपको ऐसे ही बिल्कुल निकालना है। अब हमारा यहाँ पे पेस्ट निकल चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने पहले बना के रखा हुआ था। अब मैं इसमें उसको पूरा ऐड कर दूँगी, पूरा मिक्स कर दूँगी, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड करना है, उसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे 1/2 चम्मच आप यहाँ पे रोगन बादाम ऑयल ऐड कर सकते हैं। जो स्किन के लिए ऑयल आता है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसमें 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दीजिए। दोनों में से किसी एक चीज़ को ऐड कर दीजिए ड्राई स्किन वालों के लिए।
और ऑयली स्किन वालों के लिए ये क्रीम बिल्कुल रेडी है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले से लगा सकते हैं। अब हमारी यहाँ पे क्रीम बनके हो चुकी है रेडी, अब इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद इस क्रीम को अपने फेस पे आप अप्लाई कर लें, लगा लें। इसे आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, अगर आप घर पे हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं। और आप देखिएगा इससे क्रीम का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा असर करेगा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप देखेंगे उस वीडियो को। और वीडियो को कर दें लाइक क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।